नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल नए तरीके से मसूर दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप इस रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल लगते हैं 500। आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को आप देख सकते हो, थोड़ा सा हम मोटे मोटे काट लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतले नहीं करना है, बस इस तरीके से हम मोटे स्लाइस में काट लेंगे। आधा किलो पत्ता गोभी से मैंने आधा यहाँ पे पत्ता गोभी यूज़ किया है। और चाहिए हमें 1 कप मसूर दाल। दाल को हम अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धो लेंगे। पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम सबसे पहले पत्ता गोभी में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, देखिए, और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम रेसिपी शुरू करेंगे। पत्ता गोभी में से जो कच्चा एक स्मेल आते हैं ना, इस तरीके से नमक हल्दी लगाने से उसका जो स्मेल है वो हट जाते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ढक के 5 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम रेस्ट के लिए रखते हैं 5 मिनट, फिर हम रेसिपी शुरू करेंगे। 5-7 मिनट हो गए, अब हम पत्ता गोभी को अच्छे से टाइट हाथों से निचोड़ते हुए दूसरे एक बाउल में रखते जाएंगे। दोबारा पत्ता गोभी को धोने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना आप टाइट हाथों से इसे दबा के निचोड़ सको निचोड़ लीजिएगा। पानी को हम फेंक देंगे। अब हम पैन में ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल को हम पहले गरम करेंगे। तेल जैसे गरम हो जाए, हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे। डालेंगे हम 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डालेंगे हम 8 से 9 लहसुन को क्रश करके, और डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। 3 से 4 मिनट के लिए हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन स्किप कर सकते हो। यहाँ पे 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 बड़े साइज के टमाटर को स्लाइस में काट के। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। नमक हमने पत्ता गोभी में भी डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। प्याज के साथ 2 मिनट टमाटर को भी फ्राई करेंगे हम। 2 मिनट बाद हम यहाँ पे डालेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम भर के डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1/4 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे पानी। एक बार मिक्स करेंगे हम, और ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक मसाले हमारा अच्छे से भून जाएगा। मिनट बाद मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। टमाटर को हम बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़े से मटर। मटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और डाल देंगे हम यहाँ पे पत्ता गोभी।
गैस का फ्लेम हम मीडियम करके 2 मिनट पहले खोल के हम भूनेंगे। दो मिनट बाद हम ढक के पत्ता गोभी को पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो पहले एक बार हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मसाले के साथ अच्छे से मैंने पत्ता गोभी को मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे दाल। दाल और पत्ता गोभी को हम मिक्स करेंगे। चार से पाँच मिनट के लिए हम ढक देंगे और बीच बीच में खोल के हम 1 से 2 बार चला भी लेंगे। बस एक बार आप इस तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो पे रखना है और ढकना है 5 मिनट के लिए। बीच में खोल के आप 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 5-6 मिनट बाद मैंने बीच में खोल के 2 बार स्पैचुला से चला लिया था। पत्ता गोभी से जो एक्स्ट्रा पानी निकलते उसके ड्राई हो जाने तक हमें अच्छे से मसाले के साथ भून लेना था। और आप देख सकते हो अच्छे से दाल और पत्ता गोभी हमारा भून चुका है, पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में हमारा दाल और पत्ता गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 कप पानी डाल ली हूँ। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और दाल के 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला। जैसे ग्रेवी में बॉईल आ जाए पैन को कवर कर देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। बीच में खोल के आप 2 बार चेक भी कर लीजिएगा जिससे दाल नीचे ना जले। 12 से 13 मिनट हो गए, दाल हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। दाल पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। एक बार मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हल्का, अगर आप इससे पतला रखना चाहते हो तो आप पानी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डालिएगा। तो मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारा दाल बनके तैयार है। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा। और ये देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, यकीन मानिए खाने में आपको इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दाल को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हो तो आप इस तरीके से हल्का गाढ़ा बनाइएगा, और अगर आप चावल के साथ सर्व करते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। तो रेसिपी थोड़ा सा भी आप लोगों को आज अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।